नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त दीपक। इस वक्त की बड़ी दुखद घटना है, ट्रेन से कट के एक छात्र की मौके पर मौत हो गई है। दोस्तों जिस ट्रेन से कट के छात्र की मौत हुई है वो छात्र कहाँ का रहने वाला है? दोस्तों किस वजह से ट्रेन से कट के जान गई है इस छात्र की और पूरा मामला क्या है, कहाँ का पूरा घटना है दोस्तों, जो आप सभी को जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों आप सभी को ट्रेन से कट के मरने वाले या ट्रेन से सुसाइड करने वालों का वीडियो इसलिए शेयर करता हूं ताकि आप सभी को पता चल सके कौन व्यक्ति कहां का है, किस लिए मरा है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप सभी को बता दें कि बहेड़ी गांव के अदीपुर निवासी चंद्रपाल सिंह के 19 वर्ष पुत्र सौरभ सिंह, जी हाँ, निरंज कुंज कॉलोनी में किराए के मकान में रहते थे। सौरभ सिंह RTI कॉलेज में इलेक्ट्रिकल में प्रथम वर्ष का छात्र थे और शुक्रवार को सौरभ बेनहर कॉलेज के पास लगे ATM से पैसे निकालने के लिए निकले थे। कानों में एयरफोन लगाकर गाने सुनते हुए सौरभ रेल ट्रैक के ऊपर से नहर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान टनकपुर से शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी और छात्र को ट्रैक पर देख रेलवे क्रॉसिंग संख्या 2C का गेटमैन राजकुमार ने छात्र को ट्रैक से हटने के लिए कई बार आवाज लगाई और इसके अलावा ट्रेन के पायलट ने भी हॉर्न दिया। दोस्तों आप सभी बता दें कि गेटमैन और ट्रेन के पायलट ने दोनों लोगों ने आवाज़ लगाई लेकिन फिर भी सौरभ सिंह ट्रैक से नहीं हटा। सौरभ ट्रेन की चपेट में आ गए और उनकी कटकर मौके पर ही मौत हो गई। छात्र की मौत की सूचना से कॉलेज के तमाम छात्र और शिक्षक घटनास्थल पर पहुंच गए और लोगों ने इसकी सूचना कोतवाल पुलिस को दी। मौके पर पहुंच पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोतवाल अंतर सिंह ने बताया कि छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिवार को भी सूचना दे दी गई है। आप सभी को बता दें कि मनोचिकित्सक डॉक्टर पल्लवी सक्सेना का कहना है कि काल्पनिक दुनिया की ओर ज़्यादा ध्यान देने से अपनी निजी जिंदगी से दूर होते जा रहे हैं। परिवार वालों को बच्चे की ओर बचपन से ध्यान देना चाहिए। अभी कोई दिक्कत हो तो परिवार या दोस्तों से शेयर करना चाहिए, इससे परेशानी का हल हो जाता है। और घर से दूर रहने वाले सिर्फ खुद के बारे में ना सोचकर अपने परिवार और माता पिता के बारे में सोचे। दोस्तों आप सभी को बता दें कि जिस सौरभ सिंह की ट्रेन से कट के मौत हुई है उनकी उम्र 19 साल थी और GTI कॉलेज में इलेक्ट्रिकल के प्रथम वर्ष का छात्र थे। के पायलट भी हार मारा लेकिन फिर भी सौरभ को सुनाई क्यों नहीं दिया? कहा जा रहा है कि सौरभ गाने सुनने में मगन थे। तो क्या दोस्तों आप सभी का क्या कहना है, इनकी जान एयरफोन लगा के गाने सुनने से गई है या फिर इन्होंने खुद सुसाइड किए? और दोस्तों वीडियो बनाने का हमारा मकसद यही है कि कौन व्यक्ति ट्रेन से किस कारण कहां का है मरने वाला, जिसकी सूचना मैं आप सभी को देता हूं ताकि आप सभी को पता चल सके और हो सके वो व्यक्ति हो आपके अगल बगल पहचान वाला। दोस्तों मिलते हैं इंडियन रेलवे के लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।